हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हैव सम क्राइटेरिया एंड कंडीशन विच वी पुटिंग इन फॉर्मेटिंग। मतलब कि जो भी क्राइटेरिया और कंडीशन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा में फॉर्मेट्स अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन है, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए मैंने प्राइस लिस्ट में न्यूमेरिकल्स नंबर लिए हैं। ग्रेटर देन में यहाँ पर मैं नंबर्स टाइप करूँगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन में मैंने यहाँ पर टाइप किया 6000 टाइप करते ही यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कलर है रेड, वो हाईलाइट हो रहा है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, से येलो, ग्रीन, रेड टेक्स्ट, और फॉर्मेट में जाके मैंने यहाँ से कोई भी इसे मैं टेक्स्ट दे देती हूँ, कोई भी कलर मैंने चूज़ कर लिया। मैं इसे ब्राइट येलो दे रही हूँ। तो ओके करते ही इस रेंज में जो 6000 से ऊपर नंबर थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह इसे मैं दोबारा सेलेक्ट कर रही हूँ। दोबारा सेलेक्ट करके इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन क्लिक करके लेस देन में क्लिक किया। यहाँ पर मैं कोई नंबर टाइप कर देती हूँ लेस देन के लिए। यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ 1000। तो 1000 से नीचे जितने सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे रेड। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो जितने भी सेल्स हैं, जो रेड सेल्स हैं, 1000 नंबर से कम है। इसे सेलेक्ट करके अगेन मैंने यहाँ पर क्लिक किया और नेक्स्ट हमारे पास बिटवीन है। बिटवीन में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर टाइप करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। बिटवीन मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। इक्वल के लिए भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे कि इक्वल में हम यहाँ पर कोई भी एक नंबर दे देंगे। यहाँ पर मैंने 900 नंबर दिया, तो 900 मेरे सेल में, इसे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कर दिया। जितने भी 900 वाले नंबर्स हैं, तो ग्रीन सेल्स आपको दिखा रहा है कि 900 हमारे पास 3 हैं, और जो इसमें जो पहली वाली फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो चुकी है। लेस देन 1000 में ही 900 हाईलाइट था, तो उसे वो रिमूव हो गया। टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और जो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है, क्योंकि कीबोर्ड फर्स्ट वर्ड है रेंज में, तो वो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इसे कीबोर्ड हमारे पास जितने हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, और यहाँ पर हम कलर चेंज कर सकते हैं कीबोर्ड्स का, कोई भी कलर दे देते हैं। यहाँ पर मैं कीबोर्ड की जगह कोई और दूसरा वर्ड टाइप करके चेंज कर देते हैं इसे। हम यहाँ पर लिखते हैं लैपटॉप। तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप लिखा और इसे ओके किया, और आपने देखा कि लैपटॉप इस रेंज में जितने भी लैपटॉप्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, 2, 3। तो हमारे पास यहाँ पर इस रेंज में 3 लैपटॉप हमने टाइप किया हुआ है, तो वो हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है डेट अकरिंग। डेट अकरिंग के लिए यहाँ पर हमें डेटा सेलेक्ट करना होगा, डेट वाले फॉर्मेट्स में अप्लाई होते हैं। उसके लिए हम रेंज सेलेक्ट करते हैं डेट की। रेंज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ डेट अकरिंग। तो यहाँ पर यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, अलग अलग ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक लेते हैं। नेक्स्ट वीक करते ही टुडे 23/7/2020, तो उसके अकॉर्डिंग जो आने वाला जो वीक है उस वीक के जितने भी डेट्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं नेक्स्ट वीक के। नेक्स्ट है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं टैक्स वाली रेंज को। टैक्स वाली रेंज को मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा ही रेड हो चुका है, क्योंकि इसमें ये डुप्लीकेट दिखा रहा है। डुप्लीकेट्स मीन्स कि अगर कीबोर्ड बटन है तो कीबोर्ड दोबारा आया है, माउस है या मॉनिटर, ये रिपीट हुए हैं सारे, ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे रिपीट हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर मैं डेज नेम लिखती हूँ संडे, इसे मैं ड्रैग कर देती हूँ। तो अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यू में टाइप किया, तो देखो संडे संडे 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो संडे उसने हाईलाइट कर दिया। इसे ओके कर देते हैं हम। बाकी यूनिक है सारे, संडे रिपीट हो रहा है, तो संडे को हम यहाँ पर संडे संडे ओके कर देते हैं। अगर हमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, उसके लिए हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, और डेटा सेलेक्ट करते ही यहाँ पर क्लियर रूल्स हैं। क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, अगर मैं इसे क्लिक करूँगी तो जो मेरे सिलेक्टेड सेल्स हैं उसी में ही डेटा रिमूव होगा। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ कि एंटायर शीट क्लियर रूल्स, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया, आपने देखा कि जो डेटा सेलेक्ट है उससे भी
कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है, और जो दूसरा डेटा था जिसमें संडे संडे हाईलाइट हो रहा था उससे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।